नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम GK प्रैक्टिस सेट के प्रश्न को सेट को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपके सामने तीसरा सेट को प्रस्तुत करूंगा, जिससे पहले मैंने दोस्तों दो प्रैक्टिस सेट GK का प्रस्तुत कर दिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। दोस्तों ये जो मेरा GK के प्रैक्टिस सेट का वीडियो है वो यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता, अन्य सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स जिसमें जीए के पोर्शन आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये GK प्रैक्टिस सेट के सेशन को। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसके द्वारा पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किया गया है। तो दोस्तों हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों सही ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन बी, लिथाम द्वारा पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मनुष्य के सिर के अंतःकंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो समानता दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हमारे जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है दोस्तों, 29। टोटल हमारे कंकाल मतलब अस्थियों में, उसमें खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं, हड्डियाँ पाई जाती हैं, 29, इसे याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाले राज्य कौन सा था? तो दोस्तों आपको उस भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसका गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सर्वप्रथम 1953 में भाषा के आधार पर किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, चित्रित धूसर मृद्भांड का संबंध किस काल से है? दोस्तों जो चित्रित धूसर मृद्भांड है उसका संबंध आपको बताना किस काल से है? दोस्तों ये है एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, वैदिक काल से है। वैदिक काल में दोस्तों उस समय चित्रित जो धूसर मृद्भांड होते हैं चित्रित उन्होंने चित्र बनाए बनाने लगा गया था, चित्र के साथ उन्हें बनाया जाता था। विभिन्न प्रकार के चित्र, गाय का, किसी पशु का या पक्षी का, किसी का भी चित्र उस पर मृद्भांड पे बना दिया जाता था वैदिक काल के अंतर्गत। इसे याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछ ले कि चित्रित धूसर मृद्भांड का संबंध किस काल से, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, वैदिक काल से है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, संसद के लगातार दो सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल होता है? दोस्तों आपको बताना है कि दो सत्रों के बीच संसद के अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही है, अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल होता है दो संसद के सत्रों के बीच में, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसके सिफारिश पर दी जाती है? तो दोस्तों आपको उसका नाम बताएं इसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है। हमारा पहला ऑप्शन योजना आयोग की, हमारा दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग की, हमारा तीसरा ऑप्शन लोक सेवा लोक लेखा समिति की तथा हमारा चौथा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही है, वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? आपको उस वर्ष का नाम बताना जिस वर्ष में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही है, वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? दोस्तों आपको कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को बताना जिस सिद्धांत के माध्यम से उसने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को बताया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नामक सिद्धांत से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाने का प्रयत्न किया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों आपको हमारे अपने भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो दोस्तों हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन, भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति तथा ये हमारे भारतीय गणराज्य के प्रथम उपराष्ट्रपति भी इन्हें कहा जाता है, ये थे
डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे भारतीय गणराज्य के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तथा भारतीय गणराज्य के ये द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका ये दो बार चुने गए थे, 1952 से 1952 से 1957, फिर 1957 से 1962 तक, इसे याद रखिएगा। तथा जाकिर हुसैन का जो क्रम है वो चौथे हमारे राष्ट्रपति थे, चौथे राष्ट्रपति थे। तथा वीवी गिरी जो थे हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी पांचवे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी का क्रम पांचवा था तथा जाकिर हुसैन का क्रम चौथा था, इसे याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वायु दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो दोस्तों उस यंत्र का आपको नाम बताना जिसके माध्यम से वायु दाब को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे से दोस्तों, बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब को मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों आपको उसका नाम बताएं इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए हमारे से कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जैसे भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर अणु बम किसने कब गिराया गया था? तो उस तारीख आपको नाम बताएं जिस तारीख पर हिरोशिमा पर अणु बम, परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों ऑप्शन बी हमारे सही, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तथा इसके 2 या 3 दिन के बाद ही जापान, हिरोशिमा जो कि जापान का शहर है, इसके एक दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिरा दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा, भूलिएगा। जापान के 2 शहरों को हीरो पर सर्वप्रथम हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा उक्त नीति निदेशक किस अनुच्छेद के उल्लेखित है? तो दोस्तों उस आपको उस नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद को बताएं इसके अंतर्गत 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए हमारे से, ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है, उसका आपको नाम बताना है। दोस्तों ऑप्शन बी हमारे से, चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी हैं? तो दोस्तों आपको नील आर्मस्ट्रांग के देश का नाम बताना है, वो किस देश थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही है, नील आर्मस्ट्रांग का संबंध अमेरिका से था तथा नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों आपको उस वर्ष का नाम बताएं जिस वर्ष में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही है, 1928 में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की अंतरात्मा किसे गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को संविधान की मूल अंतरात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, एमसी मेरी कॉम इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपको एमसी मेरी कॉम का खेल का नाम बताना है, जो खेल खेलती हैं। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही है, एमसी मेरी कॉम द्वारा बॉक्सिंग खेल खेला जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों आपको विजयनगर साम्राज्य जो था दक्षिण भारत का, उसका आपको दूसरा नाम बताना है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम था हम्पी, हम्पी नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस वीडियो पर अपने प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।